हेलो फ्रेंड्स, हम लोग शेयर्स एंड डिविडेंड्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है उनको एक शॉर्ट समरी दे देते हैं कि हमने शेयर एंड डिविडेंड्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं। आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने शेयर्स पढ़े, शेयर्स क्या होते हैं, डिविडेंड्स क्या होते हैं, मार्केट वैल्यू क्या होती है, जो हम शेयर्स जिस रेट पे हम लोग खरीद रहे हैं वो हमारी मार्केट वैल्यू है, जो रेट पे कंपनी ने स्टार्टिंग में अपनी वैल्यू रखी थी शेयर्स की वो नॉमिनल वैल्यू होती है, और इसके तीन कंडीशन दिए हुए थे, एट पार, अबव पार, बिलो पार। देखिए, अगर आपको याद नहीं है, आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एट पार का मतलब होता है कि जब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के बराबर हो जाती है। और एक सेकेंड टर्म था अबव पार और एट अ प्रीमियम। मीन्स इसमें क्या होता है कि मार्केट वैल्यू हमेशा नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। एक थर्ड पार्ट था इसमें बिलो पार, जिसमें क्या होता है हमें डिस्काउंट रेट पे शेयर मिलते हैं, उसमें मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम हो जाती है। इसका मतलब कि वो कंपनी का, जिस कंपनी का शेयर है उसका शेयर का दाम कम हो गया है और कंपनी थोड़ा लॉस में जा रही है। हमने पढ़ा कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड क्या होता है, द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी इज कॉल्ड अ डिविडेंड। ये बहुत ही आसान है, आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और डिविडेंड हमेशा एक परसेंटेज वैल्यू में डिस्क्राइब किया जाता है, और कंपनी अपना डिविडेंड का वैल्यू खुद ही देती है कि उसको कितना परसेंट शेयर होल्डर को कमीशन देना है। और उसमें डिविडेंड क्या होता है कि डिविडेंड कभी भी मार्केट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा फिक्स्ड वैल्यू पे डिपेंड करता है जो कंपनी ने अपनी ओरिजिनल फेस वैल्यू रखी थी। इसमें हम ये भी पढ़ चुके हैं कि फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। अगर आपको याद नहीं है, आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो आप इस समय जल्दी से समझ सकते हैं कि जो हमने कंपनी शेयर खरीदने में जो हमने पैसे लगाए हैं वो कितने लगाए हैं। उसके बहुत ईजी फॉर्मूले हैं, जैसे हमने कितना इन्वेस्ट किया मनी, अगर हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स पता है, उस शेयर की मार्केट वैल्यू पता है, तो हम सिंपली नंबर ऑफ़ शेयर्स बॉट इन टू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर से सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमने सम इन्वेस्ट किया है। अगर हमें पता है कि हमने कितना पैसा लगा दिया है और एक शेयर की वैल्यू पता है, तो हमने कितना शेयर खरीदा, जैसे आपने मान लीजिए 200 रुपये के शेयर खरीद लिया और एक शेयर की वैल्यू है 20 रुपीज़, तो आपने कितना शेयर खरीदा, सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं 200/20, तो आपका 10 शेयर्स आपने खरीदा है। और इसको नंबर ऑफ शेयर आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, टोटल डिविडेंड फ्रॉम द शेयर ऑन डिविडेंड ऑन वन शेयर। और इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, टोटल इनकम अपॉन इनकम ऑन वन शेयर। तो ये आपको क्विकली रिकॉल करा रहे हैं कि क्या क्या आप पढ़ चुके हैं। एक थर्ड फार्मूला होता है, टोटल डिविडेंड अर्न इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। मैं अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको पता है, आपको रेट ऑफ़ डिविडेंड पता है कि कंपनी कितना रेट ऑफ़ डिविडेंड दे रही है, और उस शेयर की नॉमिनल वैल्यू क्या है, तो हम टोटल डिविडेंड हमको कितना कंपनी ने दिया वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चौथा फार्मूला होता है, परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट। और इसको निकालने के लिए देखते हैं, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कितना हमको रिटर्न मिल रहा है, तो सीधे इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी इनकम हुई है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, और उस पर 100% आपका लग जाता है। फिर फॉर अ शेयर होल्डर, इनकम इज इक्वल टू रिटर्न इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो ये आपके सिंपल 5 फॉर्मूले हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ होते हैं। फिर ये इसके बाद हमने थर्ड ए एक्सरसाइज की थी, जिसमें सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप मेल कर सकते हैं, आपके क्वेरी को ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। अब इसके हम एक्सरसाइज थर्ड बी लगाने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 बोल रहा है, एक कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ ₹11.2% टू ऑल इट्स शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या हुआ, 11.2। नाउ इफ इट्स ₹60 शेयर इज अवेलेबल इन द मार्केट एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, मतलब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, उसने 25% के प्रीमियम पे शेयर बेचा है, हाउ मच शुड राकेश इन्वेस्ट इन बाइंग द शेयर ऑफ हिज कंपनी इन ऑर्डर टू हैव एन एनुअल इनकम ऑफ ₹1680। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू दी है ₹60, मार्केट वैल्यू हम निकाल लेंगे, उसको 25% के प्रॉफिट पे मिल रहा है, तो सीधे कैलकुलेट कर लेंगे उसमें नॉमिनल वैल्यू पे। ठीक है,
और हमें रेट ऑफ डिविडेंड पता है, एनुअल इनकम पता है, यहाँ पे हमें फेस वैल्यू ऑफ शेयर टोटल नहीं पता है कितनी है, ठीक है। तो हम लोग चलिए कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है तो नॉमिनल नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर रुपीज, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट करते हैं 60 + 60 × 25%। 25% के प्रीमियम पे बेच रहे हैं ना, 60 + 60 × 25 by 100, 25 × 100 तो आएगा हमारा 50। तो 60 + 15 = 75 हो गया, मार्केट वैल्यू हो गई, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड है, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू 11.2%। एनुअल इनकम है इक्वल टू 1680 रुपीज, ठीक है। वेल अज्यूम, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, टोटल शेयर की नॉमिनल वैल्यू एक्स है। तो सिंपल वही फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू एक्स इंटू 11.2%। कैलकुलेट कर देते हैं 11.2% एक्स इज इक्वल टू 1680 रुपीज़। 11.2 upon 100 to x is equal to 1680, कैंसिल करेंगे इधर 112x is equal to 168000, x is equal to 168000 by 112, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, डिवीज़न करना पड़ेगा इसका, मैं कैलकुलेट्स करके बता रही हूँ। आएगा इसका 15,000 आएगा, ये कैलकुलेट करने पे आपका x की वैल्यू आएगी। तो जो हमने अज्यूम किया था नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हमारी यहाँ पे आ जाती है 15,000। तो हमारा इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है कि कितना इन्वेस्ट किया है, इसलिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा रुपीज 15,000 इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर एंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको कैलकुलेट करने पे हमारी वैल्यू आएगी रुपीज 18,750, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आया।